नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया समाचार में। तो चलिए रुक करते हैं कुछ बड़ी और कुछ अहम खबरों से। मुंबई की बांद्रा रेलवे पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो चाय में नशीली दवा डालकर बेहोश करने के बाद यात्री की कीमती सामान ले उड़ता था। आरोपी के पास से पुलिस ने 13 मोबाइल बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम हमीद खान है। दरअसल 9 मार्च को दीपक शर्मा बांद्रा से राजस्थान के बीकानेर जा रहा था। इस दौरान वह बांद्रा टर्मिनल्स के स्टेशन हॉल में बैठा था, जहां पर हमीद खान ने उसे देखा और उसे पूछा कि आप कहां जा रहे हो। इस दौरान दोनों का थोड़ी देर में नजदीकी बढ़ गया और हमीद ने दीपक से चाय पीने का आग्रह किया। इस दौरान दोनों चाय पीने गए। चाय पीने के दौरान हमीद ने बड़े चालाकी से शर्मा की चाय में बेहोशी की दवा डाल दिया और चाय पीने के बाद कुछ ही देर में शर्मा बेहोश हो गया। उसके बाद हमीद दीपक के पूरे कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब बांद्रा टर्मिनस में तैनात पुलिस ने शर्मा को बेहोश पाया, तब उन्हें दीपक शर्मा को भाभा अस्पताल पहुंचाया। कुछ समय बाद दीपक शर्मा होश में आया और शर्मा ने पुलिस को इस घटना के बारे में बताया। पुलिस ने स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की और मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर कुरला के निवासी हमीद खान को गिरफ्तार किया। उसके पास से 13 मोबाइल फोन, 2 लाख और 8,000 रुपए के सामान मिले। साथ ही नशीली 20 गोलियां और 5 से 10 गोलियों के पाउडर भी बरामद किए गए। खाने यात्रियों के विश्वास को चाय में नशीली पदार्थों को डालने की अनुमति न देकर फिर सभी सामानों के साथ गुजरता था। लोहमरग के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बिलास चोगुले ने कहा कि कुछ अन्य अपराधों और उसके गुर्गों के लिए उसकी जांच की जा रही है। खाने यात्रियों का विश्वास जीतकर उन्हें चाय पिलाने के बहाने उनकी चाय में नशीली दवा डालकर उन्हें बेहोश कर सारे कीमती वस्तुएं लेकर फरार हो जाता था। उसके ऊपर इस तरह के कई और मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस इनके ऊपर मामला दर्ज कर उसके साथियों की तलाश में जुटी हुई है। दिनांक 9/3/21 ला बांद्रा टर्मिनस येथे साधारण 10:30 सुमारास फिर्यादी शर्मा हे राजस्थानसाठी आलेले होते। राजस्थान येथे जाण्यासाठी तिथं हॉलमध्ये ते वेटिंग रूमला बसले असता येथील आरोपी हा खान वय वर्ष 25 नेपाळ येथे राहणार आहे। याने फिर्यादी शर्मा यांच्याशी बाताबाती म्हणजे बोलाबोली करून ओळख पटवून गाडीस टाईम आहे असे सांगून चहाला घेऊन गेला। चहा पित असताना हातच्या लाखेने बरोबर त्याच्या चहाच्या कपामध्ये येथील भूल येणाऱ्या किंवा झोपेच्या ज्या काही गोळ्या असतात त्या त्याच्यामध्ये चहामध्ये टाकल्या। दोघंही चहा पिले आणि नंतर पुन्हा ते हॉलमध्ये येऊन बसले असता येथील फिर्यादी शर्मा हे अचानक अनकॉन्शियस झाल्याने त्यांच्याकडील सामान आणि मोबाईल फोन घेऊन नमूद आरोपी हा लंपास झाला, निघून गेला। त्यानंतर सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आम्ही त्यास अटक केलेली आहे आणि त्याच्याकडून साधारण त्याच्या घडझडतीमध्ये एकूण 13 मोबाईल, एकूण किंमत 2,08,000 रुपयाचे आम्ही हस्तगत केलेले आहे। त्याचबरोबर आम्ही रेल्वेतून प्रवास करणाऱ्या पॅसेंजरना हे सांगू इच्छितो अवेअरनेस म्हणून की कुठली अनोळखी इसमाकडून काही खाण्यास किंवा पिण्यास घेऊ नये किंवा अनोळखी वस्तूत हात लावू नये। सर, हा जो आरोपी आहे हा सुद्धा एकटा असायचा की याच्याबरोबर काही आणखी सहभाग आहेत असं काही समोर आले का? आतापर्यंत तपासात तरी हा एकटाच असल्याचे आढळून आलेले आहे। पुढील तपास करत आहोत।